नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जोहर जोहर। मेरा नाम राज है और मैं आप सभी लोगों का मेरे राज नेटवर्क टीवी में स्वागत करता हूं। तो आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं और आप लोगों को मिलाएंगे जिन्होंने टिकटॉक पर काफ़ी नाम कमाया है और काफ़ी चर्चा में हैं। हालांकि वो दुबई में ही रहती हैं और उनको हमने काफ़ी समय से अप्रोच करने की कोशिश की, बट आज उन्होंने अपना टाइम दिया, धन्यवाद करते हैं उनका। और अब हम काफ़ी देर ना करते हुए आप सब लोगों को उनसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, दुबई के रहन सहन के बारे में और इंडिया के बारे में। देखते हैं वो उनका व्यू क्या होता है और क्या जानती हैं और क्या समझती हैं। हालांकि उनकी फैमिली यहाँ दुबई में साथ में ही रहती है और वो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और कुछ जॉब्स के बारे में भी बताएंगे जो लोग जॉब सर्च करना चाहते हैं या जो जॉब सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब उनसे ही और उनके से रूबरू होते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए आप इस ब्लॉग में, इस वीडियो में, और मिलते हैं उनसे। हेलो गाइस, मेरा नाम, वैसे तो मेरा नाम दरक्षा है लेकिन टिकटॉक पे आप लोग मुझे रानो के नाम से जानते हो और ये आयत है, इसलिए मैंने अपना नाम रानो आयत रखा। और आप सब लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों से। वैसे तो मैं इंडिया से हूँ, पैदा मैं उत्तर प्रदेश में हुई थी लेकिन उसके बाद मैं दिल्ली आ गई, उसके बाद मैं दुबई आ गई। दुबई में मैं डाउनटाउन रहती हूँ और अपना बिजनेस करती हूँ यहाँ पर। मेरा शिप रिपेयरिंग का बिजनेस है। ये मेरी बेटी है, ये 5th क्लास में है। मैं इसे बहुत बोलती हूँ वीडियोज़ में और लेकिन ये नहीं आती है। और बहुत सारे लोगों को मैंने अभी अप्रोच किया है जॉब के लिए, बिकॉज़ फ़्लाइट्स बंद थी और मेरा जो मेन मकसद था टिकटॉक बनाने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डांस वगैरह नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन भी नहीं है और मुझे आदत भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं है और मुझे बहुत सारे वर्कर्स चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप टिकटॉक को एज अ नेटवर्क यूज़ करो जो लोगों तक आपकी बातें पहुंचा सके। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारे लोग भी मिले यहाँ से, बहुत सारी प्रोफाइल्स मिली हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हुई है। बहुत अभी तो फ़्लाइट्स क्या चलने लगी तो आई थिंक कि प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इसके लिए टिकटॉक बनाना शुरू किया और आप लोगों ने मुझे 5 महीने के अंदर मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, तो मेरे लिए तो ये बिलीव करने की बात ही नहीं थी। आई वॉज लाइक कि कैसे हो गया, बट ये सब आप लोगों का प्यार है। और सच बोलिए, मेरा मकसद टिकटॉक पे आने का सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प करना था। मेरे को ऐसा कुछ मीडिया में या मेरे को ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इस फील्ड में आगे जाऊंगी या मैं कुछ ऐसा करूंगी, बट जो मैंने सोचा वो मैंने किया और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच। तो रानो जी, आप दुबई की लाइफ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आपकी दुबई की लाइफ कैसी है कम्पेयर टू इंडिया? मेरी दुबई की लाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मैं 5 साल पहले आई थी यहाँ पर और सच बताइए मैंने जॉब स्टार्ट की एज एन HR, क्योंकि मैंने MBA किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो मेरी जॉब भी वहीं पे थी और मेरी सैलरी बहुत कम थी। इट वाज लाइक 2500 दिरहम जहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैंने 2 साल कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों आप इतना सारा एफर्ट लगाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो क्यों ना आप अपना ही खुद कुछ करो। तो मैंने कंपनी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो 2 हो गई हैं और सेम फील्ड में ही कंपनी स्टार्ट करते करते चलाते हुए मुझे अभी, मैं, मेरे हस्बैंड दोनों करते हैं, अभी 3 साल हो गया। तो दुबई मेरे लिए तो इट्स लाइक अ फेरी टेल। मुझे यहाँ सब कुछ मिला, मैंने नहीं सोचा था कि 3-5 सालों में दुबई मुझे इतना कुछ देगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज्जत भी मिली है और शायद जो चीज़ें मैं डिज़र्व नहीं भी करती थी ऊपर वाले ने मुझे वो भी दिया है। तो मैं तो दुबई की बहुत थैंकफुल हूँ। शायद मैं इंडिया में होती तो मैं अचीव नहीं कर पाती ये सब, लेकिन यहाँ आ करके 3-4 सालों में 5-6 तो गाड़ियाँ मैंने ख़रीदी हैं। मेरा अपना ऑफिस है, मैं डाउनटाउन रहती हूँ और इट्स लाइक अमेजिंग मेरा एक्सपीरियंस दुबई के लिए। अगर आप मेहनत करते हो दुबई आपको पे बैक करता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको यहाँ वो हर चीज़ मिलेगी जो आप सोचते हो या जो आपके सपने होंगे। रही बात इंडिया की, तो इंडिया तो मेरा होम कंट्री है, तो इंडिया से तो मुझे बहुत प्यार है।
न्यू जॉब सीकर के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगी या क्या कुछ गाइडेंस करना चाहोगी? देखिए, जो लोग नए आए हुए, एकदम नए आए हुए अभी, क्योंकि अभी जो हालात हैं वो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। धीरे धीरे स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं यूएई की बात कर रही हूँ, मैं बाकी जगह की बात नहीं कर रही हूँ। तो यूएई में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट्स लाइक कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। लोग मुझे मैसेज करते हैं, उसके बाद में काम की बात नहीं करते, हाय हेलो कैसे हो, क्या हो, क्यों हो, ये सारी चीज़ें कहीं कहीं मुझे भी इरिटेट करती हैं। तो आप ऐसे ना करो। अगर आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सीरियसली उस चीज़ के लिए आप अप्लाई करो। आपको, अगर आप केपेबल हो और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो पक्का आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अगर कहीं पे आपका नहीं हो पाता है, इसलिए नहीं कि आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट्स कुछ होती हैं, बंदा कुछ और होता है, तो वो नहीं हो पाता है। तो आप इरिटेट मत होइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इंशाल्लाह, मैं कह रही हूँ, दुबई सबके लिए है, दुबई के पूरा यूएई सबके लिए है। तो जैसे मुझे मिला वैसे ही आपको भी मिलेगा। इट्स लाइक थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इसके बजाय कि आप लोगों को अब्यूज़ करो, उल्टा पुल्टा बोलो। बेहतर है कि आप अपने काम पर ध्यान दो और उस चीज़ पर फोकस करो जिस चीज़ के लिए आप आए हो। सबने फैमिली छोड़ी हुई है अपने अपने कंट्री में, यहाँ कमाने आए हैं, तो बस उसी चीज़ पर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो यही बोलना चाहूँगी बस। हमने आपका टिकटॉक देखा था, तो कुछ अलग ही टिकटॉक है आपका, टिकटॉक अकाउंट आपका कुछ औरों से कुछ बेहतर करने का आपने सोचा। जो लोग टिकटॉकर में डांस या कुछ और अपना टैलेंट दिखाते हैं, बट आपने कुछ अलग करने का सोचा, तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है, आप जरा बताइए। देखिए, जहाँ तक जो लोग टैलेंटेड होते हैं, डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं या स्टोरीज बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबका अपना टैलेंट है, अगर वो वहाँ पे दिखाते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने टिकटॉक डाउनलोड आज नहीं किया, मैंने टिकटॉक डाउनलोड शायद एक साल या डेढ़ साल पहले किया था। पर मैं सिर्फ वीडियोस देखती थी, मुझे ऐसा शौक नहीं था कुछ करने का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब हम कुछ कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक दूसरे की हेल्प करें। अगर मेरे बस में कुछ होता है कि भाई मेरी वजह से किसी का भला हो जाए, किसी को जॉब मिल जाए या किसी की रोजी रोटी हो जाए, तो उससे अच्छी क्या बात है। क्योंकि टिकटॉक आज हर बंदा यूज़ करता है, सेम लाइक व्हाट्सएप, ठीक है। तो आप अपनी बात बहुत ईजिली पहुंचा सकते हो, आप अपनी बात बहुत जल्दी आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों को। और इसके लिए आपने गौर किया होगा, मैं कभी इंग्लिश नहीं बोलती। ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं बहुत अच्छे से बोलती हूँ, पर मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको शायद मेरा मैसेज उस हिसाब से ना मिल पाए। तो इसके लिए मैं कभी भी वो लैंग्वेज नहीं यूज़ करती जिस जो लोगों को समझ में नहीं आती। मैं हमेशा वही बोलती हूँ जो लोगों को समझ में आता है। और टिकटॉक तो वाकई में जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है, उसको बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत लोगों को अपने टैलेंट दिखाने के लिए, अपनी चीज़ों को आगे करने के लिए, अपना बिजनेस आगे करने के लिए बहुत सारे चांसेस दिए और दे भी रहा है। तो मेरे लिए तो ये था कि भाई अगर कोई टूल आपको ऐसा मिला है जिससे आप किसी के हेल्प कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो यही सोच के टिकटॉक चलाया। और मेरी ज़्यादातर वीडियोस होती भी जॉब्स की हैं, ज़्यादा मैं डांस वांस नहीं कर पाती, कभी ट्राई करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो लिपसिंग विपसिंग करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाती तो नहीं हो पाती। पर मेरा जो मेन फोकस ये है कि जितने लोगों का हो सके, आप कहीं पर भी अगर मेरे सोर्सेज है तो कहीं ना कहीं उनका हो जाए। इंडिया की लाइफ और दुबई की लाइफ में आप क्या फ़र्क देखती हैं? इंडिया तो मेरा होम कंट्री है और मुझे बहुत प्यार है इंडिया से, मेरी बहुत यादें भी जुड़ी हैं इंडिया से। मैं चाहती हूँ मैं इंडिया जाऊँ, लेकिन फ़्लाइट्स की वजह से नहीं जा रही हूँ कि अब गई तो वापस नहीं आ पाऊँगी, तो यहाँ सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो इंडिया तो ये कहिए कि दिल में बसा हुआ है, इंडिया की तो बात ही अलग है। और दुबई ने मुझे वो चीज़ें दी हैं जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी, इट वॉज़ लाइक माई ड्रीम। तो यहाँ पर बहुत सारी सहूलियत है, बहुत सेफ्टी है, इन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, हर किसी को बराबर का चांस मिलता है यहाँ पर, इक्वालिटी बहुत है। और ये कह लो कि अगर कोई बहुत अमीर आदमी और कोई बहुत गरीब आदमी, तो दोनों के लिए सारे रूल्स रेगुलेशन सेम हैं। तो दुबई और यूएई तो अपने में यूनिक है, बट इंडिया मेरा कंट्री है यार। मैं वहाँ का घूमना फिरना, खाना पीना, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मैं सबको मिस करती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं जल्दी जाऊँ इंडिया। आयत बेटा, आपकी मम्मी का आपने टिकटॉक देखा, कितना लोगों से बातें करती हैं, कितना अकाउंट आपने देखा कि क्या क्या करती हैं, आप किस तरह से देखती हैं और क्या सपोर्ट करती हैं मम्मी को और कितना हेल्प करती हैं? मैं मम्मा की हेल्प करती हूँ कि जो लोग हैं ना, मैं उनको मम्मा का मैं नंबर सेंड करती हूँ ताकि उनका जॉब मिल जाए।
हाँ जी रानो जी, आपके ये देखिए टिकटॉक करना इतना इजी नहीं है एक फैमिली के लिए, बट इसके लिए आपको एक सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली की सपोर्ट की, आपके हस्बैंड की सपोर्ट की जरूरत होती है, या बहुत सारी फैमिली में हमने देखा है कि अगर हस्बैंड वाइफ है या टिकटॉक यूज़ करते हैं तो उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है मैरिड लाइफ में भी। तो इस पर आप क्या क्या सोचती हैं और क्या व्यू है आपके? देखिए मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, वो मुझे नए नए आइडियाज़ भी देते हैं, नई नई बातें भी बताते हैं, और ये जॉब पोस्ट करने का आइडिया भी उनका ही था। उन्होंने मुझे कहा था कि आपको बंदे चाहिए, नहीं मिल रहे हैं तो आप टिकटॉक यूज़ करो, आपको पक्का वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मेरे घर में तो ऐसा मुझे कोई इशू नहीं हुआ है, और मेरी बेटी भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, कभी मेरे मैसेज का रिप्लाई करती है, नंबर्स देती है, आगे इनबॉक्स में नंबर्स आते हैं तो उनको रिप्लाई करती है। तो मेरी फैमिली से मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हर कोई सपोर्ट करता है। इवन मेरी इंडिया में जो मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर्स हैं, वो बहुत खुश होती हैं देख करके, बहुत अपने स्टेटस वगैरह भी लगाती हैं, हर जगह अपडेट करती हैं कि मतलब मेरी सिस्टर ने चलो कम से कम कुछ अच्छा काम तो किया। उनको ये नहीं है कि वो नंबर्स कितने बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं, उनको ये होता है कि भाई कुछ अच्छा काम किया। और बाकी मेरी फैमिली से मुझे कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, बहुत आराम से मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सच। हमने आपको अप्रोच किया, आपने इंटरव्यू देने का कैसा डिसाइड किया? हम बहुत दिन से पीछे आपके पड़े थे कि चलो एक इंटरव्यू हो जाए, इंटरव्यू हो जाए, बट आपके पास शायद हम समझ सकते हैं कि आपके पास टाइम नहीं रहता, तो आपने क्या डिसाइड किया और कुछ तो सोचा होगा इसके लिए? मैंने सोचा कि पहले तो आपसे मुलाकात हो जाए, बहुत अच्छे इंसान हैं, और दूसरी बात बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में बहुत सारी बातें जाननी है, लोग अक्सर मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो आई थॉट कि ठीक है आपके साथ में एक बारी एक इंटरव्यू शूट करते हैं जिससे मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिले कि भाई मैं क्या हूँ, क्यों करती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, लोग बोलते कि आप जॉब्स नहीं है इसमें या फिर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी फ्रॉड नहीं, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली है, मैं उनसे भी बोल सकती हूँ कि भाई वो वीडियोज़ बना के डाले। मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे फालतू में टैग करें, वो मुझे नहीं अच्छा लगता कि जिनको जॉब मिली है उनका अच्छा हो गया बस बात खत्म। तो इसके लिए मैंने कहा लोगों को भी पता चले कि रानो आयत है क्या आखिर, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इंटरव्यू करते हैं आपके साथ में। तो ये मिसेस रानू जी हैं जिनसे हमने काफ़ी सारी बातें की, हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी खुशनुमा दिल है इनका। हम इनके घर पे आए थे तो हमने सोचा नहीं था, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, इन्होंने काफ़ी इज्जत दी और इनके साथ हमने बैठ के खाना भी खाया, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, और उनकी फैमिली से भी हमने मुलाकात की। इंशाल्लाह आगे भी इनसे कंटिन्यू करेंगे किसी और एपिसोड में और कुछ और बातें करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड इनसे हम इनके ऑफिस में मिलें और आपको ढेर सारी जॉब के बारे में जानकारी दे देंगे। तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, या आपके व्यूवर्स को, या आपके ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगी? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए टिकटॉक आप यूज़ करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो आप लोगों से प्लीज़ प्रमोट करिए। और मेरी प्रोफाइल में बहुत रिपोर्ट्स आती, रिपोर्ट्स मत करिए प्लीज़, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, मेरा लाइक भी गायब हो गया आप लोगों को पता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग खुश रहिए और बस सपोर्ट करिए, मैं चाहती हूँ आप सारे के सारे मुझे भी सपोर्ट करें, इन्हें भी सपोर्ट करें, और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। चलिए धन्यवाद, हम आपका शुक्रिया करते हैं, आप मिलियंस सब्सक्राइबर मिले आपको और मिलियंस लाइक्स मिले। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इनसे और कहीं और किसी और चैनल पे, और देखते हैं आगे इनसे क्या मुलाकात होती है, क्या बातें होती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।